भाई कहा के टमाटरों का आजकल भाव है क्या? जी हाँ दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं सलीम आफरीदी भाई के घर पे और आज हम करेंगे उनका इंटरव्यू, लेकिन वो अभी इस वक्त शूट में मसरूफ हैं, सो वी आर कमिंग आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम, हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को प्रोग्राम मुसाफिर में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ कासिम राना और आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। भागती दौड़ती दुनिया, मसरूफ लोग, हर तीसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। अगर ऐसे में कोई शख्स आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने का सबब बनता है तो वो शख्स काबिले तारीफ है, काबिले तहसीन है। और एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है, सलीम आफरीदी। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा एहसान सर। सर, ऑन स्क्रीन आपको कौन नहीं जानता। हम जो आज का ये प्रोग्राम है इसको ऑफ स्क्रीन से शुरू करेंगे। बिल्कुल करें। तो सर ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए और आपका स्कूल लाइफ कहाँ गुजरा? मैं घर में ही पैदा हुआ और एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा मैंने। ठीक है। और इलाका पूछते हैं तो इलाका मैं कराची में पैदा हुआ और कराची में ये गवर्नमेंट स्कूल में मैं क्लास थ्री में पहली दफ़ा मेरा दाखिला हुआ। उससे पहले मैंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी। अच्छा। तो पाँच साल का था मैं, दो साल उम्र बढ़ा के लिखनी पड़ी। और मैं आपको बता दूं, घर में ही मैंने पाँच क्लासें पढ़ ली थी। अरे। लेकिन पाँच साल की उम्र में पाँचवीं जमात में दाखिला स्कूल वाले नहीं दे रहे थे। ठीक। तो चौथी क्लास का एग्जाम लेके मुझे तीसरी क्लास में दाखिला दिया। अच्छा। और दो साल उम्र बढ़ानी पड़ी। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि स्कूल लाइफ जब आपकी चल रही थी तो क्या आप एक शरीफ बच्चे थे जैसे अब आप हैं? नहीं, शरीफ बच्चा था मैं तो बहुत। जो जाहिर है जो पाँच साल की उम्र में पाँच क्लासें पढ़ा हो तो उसको शरारतों का टाइम कहाँ मिलेगा। शरारतें मेरी शौक था तो तालीम की तरफ सारा ध्यान था। फिर स्कूल पढ़ा, स्कूल में फिर मैं वहाँ छठी या सातवीं तक पढ़ा था मैं। तो फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो गए लियाकताबाद हाउसिंग सोसाइटी। ठीक। जिसको लालू भेद बोलते हैं। जी जी। वहाँ मैंने एक प्राइवेट स्कूल जो पामिया लिए गए थे। जी जी। उसमें मैंने सातवीं से पढ़ना शुरू किया। आठवीं में पहुँचा ही था कि वहाँ से फिर हम शिफ्ट हो गए अपने अजीज और रिश्तेदार मेरे सारे रहते थे अल्लावाली में। तो वहाँ एक स्कूल की ओपनिंग हुई थी, गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें आठवीं क्लास से मैंने ठीक जनाब अली मैट्रिक किया। ठीक। मैट्रिक तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो आपने मैट्रिक यहाँ कर लिया तो क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस आपने कभी इस दसवीं तक कभी कहीं परफॉर्म किया था किसी स्कूल में किसी फंक्शन में? क्लास सेवन में था जब मैंने पहली दफ़ा लतीफ़ा सुनाया था। ठीक। और वहाँ वो लतीफ़े में मैंने बाकायदा परफॉर्म कर रहा था। क्लास में फारिग टाइम था तो टीचर खड़ी थी, उन्होंने कहा था अपने अपना कुछ फन पेश करो या कोई बात करनी है किसी ने, तो मैंने लतीफ़ा सुनाया और परफॉर्म करके सुना रहा था और रोने का कोई आइटम था। ठीक। तो सब हंसने लगे तो मैंने मुझसे कहा, मैंने कहा ये तो हंस रहे हैं, तो कहने लगे आप हंसाने के लिए तो लतीफ़ा सुना रहे हो, तो समझ में आया कि आया भी। तो फिर जनाब अली वो था, तो नाइन्थ क्लास में मैंने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था अपने स्कूल में। ठीक। तो वो पहले नंबर पे आया। फिर उस दौरान मैंने पेंटिंग भी की स्कूल में, उसमें तीसरे नंबर पे आया। ज़बरदस्त। फिर सातवीं आठवीं से ही नाथ वानी और पवित्र तराने वो पढ़ना शुरू कर दिए थे माशाल्लाह। फिर नवे में डांस जब देखा तो मेरा लोग सब बड़े मुतासर हो गए। वैसे में खामोश और बादअब बच्चा था। बादअब बच्चा लेकिन छुपा रुस्तम। अच्छा डिस्कवर कब किया आपने खुद को, यानी कि अभी ये स्कूल लाइफ में डिस्कवर कर लिया था कि हाँ मुझ में ये एबिलिटीज हैं और मैं इनसे फ़ायदा उठा सकता हूँ? मुझे ये तो पता नहीं था, लेकिन ये कि मैं सलीम शबीला मुइन अख्तर वगैरह की कैसेट सुनता था तो उनकी नकलें उतारता था, मुख्तलिफ ज़मानों में लहजों में बात करता था और उन्हीं के लतीफ़े बयान करता था अपने आपस में अकेले में। और मैट्रिक के बाद
मैं घर की महफिलों में डांस करने लगा, मेहंदियाँ दौर में जोर जोर से होती थी। ठीक। तो मेरी वालदा ने मना किया कि बेटा डांस नहीं कर, फिर फकरे स्टार्ट किया फंक्शन में। ठीक। कि डांस नहीं करो बेटा, ये तो गलत गान है, कोई और सिंगिंग नहीं, कुछ और कर लो। तो फिर मैंने एक फंक्शन में, फैमिली के एक फंक्शन में लतीफ़े सुनाना शुरू किए, लतीफ़े सुनाए, वहाँ डांस कर रहा था। तो फिर कॉमेडियन कोई नहीं था, तो मैंने लतीफे सुनाए माइक पर खड़े होके, जो याद थे जो प्रैक्टिस थी जी जी। पहली दफ़ा जिंदगी में माइक पकड़ा था, वो इतना सुपरहिट शो गया, तो लोगों ने कहा तुम तो बाकायदा प्रोफेशनल हो। और मुइन अख्तर भाई वाली मिसाल देनी शुरू कर दी कि मुइन अख्तर लगे हो बिल्कुल, तो मैं पक्का हो गया। ज़बरदस्त। तो मतलब वहाँ तक आप शाय नहीं, इसका मतलब तो ये हो ना, परफॉर्म करो शाय नहीं हो आप, अब कॉन्फिडेंट हो चुके हो और अब आप मैट्रिक करने के बाद आप बकायदा तौर पर स्टेज पर खड़े होके परफॉर्म कर। स्टेज पर जाने से पहले या कहीं करने से डरता था, पहुंचता था जरूर था, लेकिन जब माइक पकड़ा तो कॉन्फिडेंस इतना देखा लोगों ने तो बड़ा मुतासिर हुआ। तो मैंने हमेशा हैरत अंगेज मुजाहरा किया, हैरत में पड़ गए लोग, हैरत में डाल दिया मैंने लोगों को, क्योंकि एक खामोश सा बच्चा, मासूम सा जी जी, कम उम्र 14-15 साल की उम्र में तो मैंने मैट्रिक किया था जी जी, तो छोटा सा बच्चा था। तो इसी तरह मैंने कुछ शायरी भी की। अरे जबरदस्त। मैं पेंटिंग वालदा ने करने नहीं दी कि ये क्या खर्चे वाला काम नहीं करो, फिर शायरी करने के क्या इस मोहब्बत में पड़ गया। तो फिर ये फंक्शन में कॉमेडी की, तो मैं लोगों ने सुना, फिर फंक्शन शुरू कर दिए स्टैंड अप कॉमेडी। फिर ड्रामों में हमारे दोस्त थे एक साथ प्रेमी उमर शरीफ भाई का दौर दौरा था, उनके ड्रामे देखने शुरू किए, तो स्टेज ड्रामों का शौक शुरू हुआ। सलीम अंजान एक डायरेक्टर थे, उनके ड्रामे में काम किया, उसमें तीसरा अवार्ड लिया माशाल्लाह। और वो संजीदा सर वो था, मीडियम जो था, हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन बाकी संजीदा काम था और दर्द बहुत था उसमें, दिल्ली वाले का कैरेक्टर। क्या इसको कह सकते हैं कि आपके करियर का ये बाकायदा आगाज था? बाकायदा आगाज यही था, यहाँ से आपने शुरू किया। अकबर खान मेरा भाई साथ था, एक मेरा दोस्त अफरोज साथ था, तो अकबर और मैं बहुत सारे फंक्शन किए, मेरा खालाजाद भाई है और इस वक्त बड़ा नाम पर पेंटर भी है, आर्टिस्ट भी है जी जी, और मुजद्दमा साहब भी है, नुमाइश की बड़ी लग चुकी है, एक्टर तो हमारी जी जी। स्टेज में जब आप शामिल हुए, आपके मुताबिक शोज आपने बहुत सारे किए होंगे, आपके मुताबिक आपको लगा कि हाँ एज ए प्रोफेशनल और अब मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ स्टेज में, तो वो कौन सा ऐसा ड्रामा था जहाँ से आपको ये फील हुआ? बाकायदा आगाज नहीं, उस वक्त तो चौक में मैं काम कर रहा था। मैं तो आपको बताऊँ एज ए प्रोफेशनल, तो मैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम कर रहा था। अरे मैंने इस दौरान लाइसेंस भी लिया, बीए भी किया मैंने, कॉलेज में पढ़ा सराजी दौला कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी का माहौल देखा। उस दौरान फिर मैं, मुझे एक सऊदीया में मेरे कज़न थे, उन्होंने बोला इसको बिजली का काम सिखा दो, तो मैं यहाँ बुला, तो मैंने फिर बिजली का काम बाकायदा सीखा, उसका डिप्लोमा भी किया, फिर मैंने उसका लाइसेंस भी लिया गवर्नमेंट से। यहाँ बिजली का काम करने लगा तो वो भाई ने कहा ऐसे अरबी भी सीखा, तो मैंने कहा अरबी सीखूंगा तो फिर अरबियों से वास्ता पड़ेगा, तो मैंने कहा अरबी ना सीखो तो अच्छा है, मैं नहीं सीख सका अरबी, क्योंकि मैं एक्सेंट में मुख्तलिफ दुनिया के हर आदमी को उतार सकता हूँ, लेकिन लैंग्वेज में कोई भी नहीं बोल सकता। बमा इंग्लिश अलग, मैं पढ़ा लिखा आदमी लेकिन इंग्लिश भी नहीं चढ़ती मेरी मुँह पर। ठीक ठीक। और कोई पंजाबी बोले, सिंधी बोले, कोई लैंग्वेज एक्सेंट जरूर उतार लूँगा, सिंधी उर्दू कैसे बोलेगा, पठान उर्दू कैसे बोलेगा, अंग्रेज कैसे बोलेगा और बंगाली कैसे बोलेगा, लेकिन लैंग्वेज में कोई भी नहीं बोल सकता। मेरी याददाश्त कुछ मामला है, क्या है, कुछ कमजोरी, मेरी एक ही कमजोरी। बाकी यह है कि मैं इलेक्ट्रिक का काम करता था, शौकिया ड्रामे करता था, मैं ठेके वेके भी लेता था, बड़ी वायरिंग दो तीन जगह जॉब भी करता था, तो फिर रात को वनडे ये शौकिया ड्रामे करता था। मैंने दूसरा ड्रामा किया, उसमें दूसरा अवार्ड लिया, तीसरा ड्रामा किया हामिद हुसैन शाह जयपुरी का, उसमें गुड्डे का रोल किया, फिर पहला अवार्ड लिया। तो फिर मुझे मुसलसल ये वनडे ड्रामे में शौकिया तो काम मिलता रहा, और गुड्डे के रोल ज़्यादा मैंने किए जवानी में, 20-22 साल की उम्र का हूँ मैं। तो फिर उमर भाई के घर एक दफ़ा मैं बिजली का काम करने गया था। अच्छा। तो भाई मुझे लेके गए, उनकी वालदा मुझे इतनी अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बेटा बना लिया। तो बड़ा एक कैरेक्टर था वो, जो देसी खातून का कैरेक्टर था जी जी। वो थी वो वालदा, और वो बेशुमार दुआएं अपनी, उस वक्त तक मुझे पता नहीं था जब मैं बेटा बनाऊंगी उमर शरीफ का घर है, वो तो बड़े भाई लेके गए थे। फिर एक दिन इंकशाफ हुआ ये तो उमर शरीफ जिसका मैं फैन था, जिनका तो उन्हीं का घर है,
तो मैं और पक्का हो गया, तो फिर मेरा रोज का आना जाना बिल्कुल माँ जैसी हो गई हो, तो रोज का आना जाना शुरू हो गया। इस दौरान उमर भाई ने, वालदा ने बड़ी ऑफर की कि तुम हमारे साथ करो अगर ड्रामे करते हो, तो मैंने कहा नहीं, मेरा प्रोफेशन तो कोई और है, ठीक, मैं तो शौकिया काम कर रहा हूँ, चल रहा तुम। फिर मैंने कहा अब तो ये मौका मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे पता नहीं काम आता है नहीं आता। फिर मैंने मुख्तलिफ ड्रामों में मुख्तलिफ रोल किए, फिर मुख्तलिफ फंक्शनों में अपनी कोशिश जारी रखी, करेक्टर मुख्तलिफ करता रहा। फिर एक ड्रामे में उमर भाई, तीन साल के बाद मैंने उमर भाई के साथ ड्रामा किया, तीन साल के बाद। हाँ, उसकी वजह की जब मैं ये सोचता था, जब उमर शरीफ जैसे कॉमेडियन मौजूद है, उनके होते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने करना है तो कुछ इनसे डिफरेंट करूँ, ठीक, जो उमर भाई ने काम छोड़ दिया वो करूँ, तो जो फिर मैंने वो सीखा तीन साल। उसके बाद फिर एक दफ़ा ऑफर की उन्होंने, तो मैंने कहा मैं चलूँगा। हालांकि इस दौरान मुझे ऑफर करते रहे कि दूसरे साथी आर्टिस्ट थे शकील गऊ लाला, दौरान वो उमर शरीफ के पास चले गए, मैं उसको ऑफर करते हो आप हमें क्यों नहीं करते, अब उन्हें पता ही नहीं है तो भाई बना हुआ, तो वो चले गए। मैंने कहा जाने दो, ठीक है। तो फिर मैं इस दौरान मुख्तलिफ ड्रामे करता रहा, 100 के करीब मैंने ड्रामे किए, फिर तारीफें मेरी सुनी। फिर लियाकत सोल्जर ने मुझे ऑफर किया, लियाकत सोल्जर का बड़ा किरदार है मुझे कॉन्फिडेंस दिलाने में, क्योंकि वो जब भी कोई ड्रामा करता था वो देखते थे और अप्रिशिएट करते थे, ठीक। तो उन्होंने फिर कमर्शियल ड्रामे भी लिया। इधर फरमान हैदर साहब ने जब मुझे ऑफर की, फिर मैं उमर भाई के पास गया कि आपके डायरेक्टर ने मुझे ऑफर की है, अब मैं करूँगा, आप करेंगे, मेरा फन देखिए सिफारिश, तो मैं शुरू से नापसंद। वेरी गुड। नहीं, अभी ये आपका सफर चलता आ रहा है, मैं सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूँ। उमर भाई के साथ आपका पहला ड्रामा कौन सा था, और जितने ड्रामे आपने किए उनमें से कौन सा ड्रामा है जो आपके दिल के करीब है? पता नहीं, चाचा चाची आई कराची था ड्रामा, और इसके अलावा फिर बेशुमार ड्रामे, उसमें एक एक दो दो सीन होते थे बुढ़ा घर पे में, उस दौरान बड़े आसाद भी हुए, मोहिन भाई भी साथ होते थे। फिर एक ड्रामे में मेरा रोल था तो पुलिस वाले का, तो उसमें मैंने कैरेक्टर बना लिया, दो ही सीन थे छोटे छोटे, लेकिन मैंने उसमें तो लाफ्टर आफ्टर बना लिए उमर भाई के साथ मिलके, तो उमर भाई ने बड़ा रिस्पांस दिया, लेकिन मेरा वो रोल कट गया, तो मुझे बड़े सदमे हुए। और मैं 20-20 शो ऐसी साइलेंट रोल, एक्स्ट्रा रोल में इतनी मेहनत की, और पता चला मैं एक्स्ट्रा रोल कर रहा हूँ तो घर से दो तो वह चला जाता था। और जनाब अली फिर ये हुआ गया, ऐसा ऐसा मुझे रोल मिलते गए, और भी ड्रामे में काम करता गया, फिर एक ड्रामे में भरपूर रोल मिला मुझे, और उमर भाई के कजन वजन का था वो मैंने किया, और बेशुमार ड्रामे ऐसे जिनके नाम याद नहीं है। बकरा किस्तों पे एक ऐसा ड्रामा है जो मैंने अचानक किया था, उमर शरीफ के सामने कोई कैरेक्टर करना अचानक एक बड़े कमाल की बात है, बिल्कुल उनके सामने तो बड़ों बड़ों पैर डगमगाते हैं। और वो बकरा किस्तों पे जमशेद अंसारी वो रोल छोड़ के गए थे माइकल का, तो वो वीडियो शो था, अचानक मुझे ऑफर हुई कि ये तुम्हें तुम करोगे, मैंने कहा मैं कर लूँगा, मैंने रातों रात याद किया उसको, और फिर डायरेक्ट कोई रिहर्सल के बगैर स्टेज पे किया, इतना परफेक्ट किया, और वो ड्रामा फिर सुपर डुपर हिट गया, वो तो सर कौन नहीं जानता इसमें। फिर मैंने बिजलिया काम में एक दफ़ा तुम किसी ने मुझे कोई इल्ज़ाम लगा दिया जूते का, तो मैंने कहा मैं ये काम ही नहीं कर रहा, झूठ से मुझे नफरत है, बेईमानी झूठ धोखेबाजी वादा खिलाफी इन सब चीज़ों से नफरत है मुझे, तो मैंने फिर बिजली का काम एक हादसे की सूरत में छोड़ा, ठीक, और फिर मैं इस काम में पक्का पक्के हो गए आप। अच्छा, ये स्टेज का आपका सफर, अच्छा बीच में हमने आपको W11 के मामलात में भी सुना, और वो तो क्या उसकी बात है, उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। इसकी नसीहत ये है कि मैंने जब काम शुरू किया, नकलें वकलें उतारना शुरू की, तो मैंने सलीम शबीला और मोइन अख्तर भाई की कैसे सुन के नकलें उतारी, ठीक, तो मैं शायद उसमें बहुत माहिर था। फिर W11 में बहुत सफ़र किया मैंने, ठीक है, मैं किसी बाइक पे या रक्षे में जाता था, पुलिस वाले पूछ गए कि कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो मैं W11 एक ऐसी वैन थी, इसमें बड़ी तफरी थी, गाने आने बजते थे, और रात के 3-4-5 बजे भी मैं घर वापस सुकून से, क्योंकि उसके आखिरी स्टाफ पे मेरा घर था, ठीक, तो सारे स्क्रिप्ट में W11 में याद करता था गाने के, उसी में मुख्तलिफ कैरेक्टर मिलते थे जिसको मैं रीड करके फिर कैरेक्टर करता था। तो वो फिर मुझे कैसेट की एक कंपनी की तरफ से ऑफर हुई, ऑडियो कैसेट, उस दौर में डायलैग के साथ कैसेट का दौर चल रहा था, तो मुझे ऑफरें होती थी, लेकिन वो 1000 रुपये में लोग कैसेटें करवाते थे। सिकंदर सनम ने मुझे ऑफर की कि मेरे साथ कैसेट कर, तो वो उस वक्त हिट चल रहा था, उसकी कवाली की एक कैसेट आई थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी इंडिपेंडेंट करना चाह रहा हूँ,
तो मैं सोलो कैसे करूँगा, तो मुझे एक ऑफर हुई जो मैंने उस पर मेहनत की, जैसे नाम मैंने तजवीज़ किया, मैंने इसका नाम ऐसा रखू FM W11 जी बिल्कुल, क्योंकि FM का पहला सीजन चल रहा था, वो स्टार्ट ही हुआ था, FM 100 था, 1-1, तो मैंने उसकी पैरोडी में नाम रखा अस्सलाम वालेकुम लालू खैर FM W11। वाह, तो लोगों ने मुखालफत भी की, जिन्होंने उस कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट कराया था कि यार ये क्या लोकल थोड़ी चलना है, मैं लेकिन कंपनी मालिक को मेरी ये नाम पसंद आया, उसने जाने दो डबल W11 ऐसी चली, क्या बात, दुनिया में चली और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है माशाल्लाह, और मेरी अल्लाह के करम यह है कि मेरी वजह से वो W11 पूरी दुनिया में एक ट्रांसपोर्ट जो कल्चर का डिपार्टमेंट है दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में, हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी से मुझे अवार्ड मिला। अरे वाह, और वहाँ एक ट्राम को W11 बनाया, वो पूरा मेरे घर पे आया मैक डगलस, क्या बात, और उसने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया, उसकी डॉक्यूमेंट्री की जो तकरीब थी उसकी दावत दी माशाल्लाह। तो ये एक W11 का सफर। तो सर इसके साथ साथ हमने आपको ड्रामों में भी देखा, तो कुछ आपका वहाँ से फिर एक ड्रामों का भी सिलसिला शुरू हो गया, प्रोफेशनल दौर शुरू हो गया था, शकील सिद्दीकी के साथ मेरा पेयर बन गया था, जब मैं माइकल एड हुआ, शकील तीली एड हुआ, हम दोनों जोड़ी में फंक्शन करने लगे, ठीक, और बेशुमार टूर किए, इधर उधर काम वाम किए, बहुत ज़्यादा फंक्शन किए, एक रात में 9-9 फंक्शन हम करते थे जी। फिर बात वही आई कि मुझे झूठ बेईमानी चोरी चकारी और धोखा दही पसंद नहीं है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा बैठ गया घर में, तो वो फील्ड का माहौल था, तो मैं सोचता था कि मैं इस फील्ड में क्यों आ गया यार, ये तो बड़ी इसमें तो बड़ा हर वक्त वर्क करना पड़ता है, हर वक्त दिमाग चला के लोगों काम करूँ, लोगों की साजिशों से बचूँ। तो फिर मैं कुछ दिन सबर किया मैंने, फिर मुझे मुख्तलिफ कैसेट चल गई थी, तो फिर मेरा अपना नाम माशाल्लाह इतना हो गया कि मैं सोलो शूज करने लगा, और फिर बेचराशा काम किया W11, फिर इंटरनेशनल टूर भी किए जी। जी, इंटरनेशनल टूर्स आपके हैं, ड्रामास हैं, और फिर एक ऐसा दौर आया कि आपने पैरोडी फिल्म की भी अब वहाँ से आगाज़ कर दिया, उसके बारे में भी कुछ बताएं। हम पैरोडी फिल्मों में वो हमने स्किट किए थे एक दौर में, है ना, कुछ फिल्म विल्म के सीन की भी कॉपी की थी, और मेरा ख्याल जो वो कौन मानेगा करोड़पति उसका भी अमिताभ और मेरा जी जी आइटम बड़ा मशहूर हुआ सिकंदर सनम के साथ जी, मैंने वो देखा जो कंप्यूटर दोनों तरफ आप वो आप सवाल जवाब बात करते हैं, वो फिर पैरोडी फिल्म सिकंदर सनम बना रहे थे, वो अनीफ डायरेक्टर है उनके साथ, और वो एक कंपनी थी आसिफ हीरा जी, वो उन्होंने कहा कि एक रोल तुम भी करो, वो रोल कोई माइनर सा था, चलो एक दिन का टाइम दे दो, मैंने कहा यार चलो, वो इतनी दोस्ती यारी थी, मैंने चलो एक दिन में क्या है क्या तीर मार ले, तो मैंने एक दिन मेरे ख्याल से शूट की थी, 5-7 सीन थे, ठीक, उसको मैंने सीरियस कॉमेडी पहले अंदाज में कर दिया, ठीक, लेकिन वो फिर फिल्म का प्रोमो उन्होंने बनाया, तो यानी वो जो डायरेक्टर की जो उसमें सोच थी और उसने इस तरह का रंग दिया कि पूरी फिल्म लगी CD पर, क्या बात, वो ऐसा ट्रेलर बनाया, उसका म्यूजिक, उसका साउंड, उसका ट्रैक, उसका विजुअल और विजुअल ऐसा बनवाया कि लगा कि पुरानी फिल्म है वो चल रही है, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि खतरनाक साबित होगी, और ये पूरे वर्ल्ड में फिर मशहूर हुई, यहाँ तक कि सलमान खान ने उसको देख कर खुदकशी की भी कोशिश की, तो उसकी कामयाबी की दलील है, फिर उसको समझाया कि नहीं यार ये तो सिकंदर सनम है, कहाँ सिकंदर सनम कहाँ तू, लेकिन सिकंदर सनम हीरो हो गया, गरीबों का एक हीरो, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने उसके बड़े भाई करो। फिर हुआ ये कि मैंने माइनर तो ये काम एक चल गया, तो मैंने माइनर तो काम करना नहीं है, फिर मैंने अपनी फिल्म बनाई मुन्ना भाई W11 MBBS के बजाय जी जी, फिर मैंने एक फिल्म बनाई रब ने बना दी गजनी, ठीक, उसमें भी क्रिएशन होनी चाहिए, फिर एक लास्ट ब्लड फिल्म बनाई लाहौर जाके पैरोडी रैम्बो की, सिद्धू एक ऐसा करेक्टर है जिसने कमीडियन को बेशुमार घर बसा दिया उनके, और हंस हंस के ना, तो फिर सिद्धू लाला हमारा एक है आर्टिस्ट,
तो वो गया वहाँ और बेशुमार जूनियर फनकार गए, वो लाला फिर सुपर हिट भी हो गया। फिर हमें ऑफर करते रहे, हम यहीं माशाल्लाह इतना बिजी था मैं पाकिस्तान में, मैं और सिकंदर खान जी, हम दोनों इतने बिजी थे कि हमने नहीं है नए लोगों में कम्पटिशन में गा गया ना, तो वो जनाब अली और दूसरे आर्टिस्ट भी गए, लाला वो शो जीत गया, फिर शकील भी इन्वॉल्व हो गया। तो फिर हमें ऑफर करते रहे, फिर मजबूरन डायरेक्टर पंकज है जो मरकजी उनका डायरेक्टर जिसने तमाम आर्टिस्ट को ले लिया, वो स्पेशली आया मुझे लेने। जी जी, वो ये कि वहाँ ये सारे कॉमेडियन ने, मैं मजबूरन गया, सारे कॉमेडियन ने मेरे आइटम वहाँ पेश कर दिए यूनियन ने और एक उल्टे चले गए। अरे फिर आपस में लड़ाइयाँ हो गई मेरे आइटमों पे, फिर सबने एक दूसरे की बोल बोलनी शुरू कर दिए। तो सलीम का तो डायरेक्टर के कान में पड़ा कि सलीम आफरीदी कौन, फिर वो मुझे स्पेशली लेने आया, वो यहाँ सबके इंटरव्यू कर रहा था और अल्लाह करम यह है कि मुझे पंकज ने ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू दिया, तो मैं उनको मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे आइटम करें नहीं, आप चलो आपको ले जाना जरूरी। ठीक ठीक, तो फिर मैंने बड़े नखरे भी किए, मैंने कहा मैं अकेला तो जाऊँगा नहीं, मेरे साथ राइटर जाएगा, मेरा असिस्टेंट भी है और मैनेजर भी है, तो उसने कहा आपके लिए दो टिकट है, मर्दी का होटल, मर्दी की खुराक, मर्दी का पानी जी, तो वो सारी फरमाइश जब मान ली तो मजबूर हो गए, मुझे जाना पड़ा, फिर मैंने उसमें काम किया। जी जी, फिर यह है कि वो जो वादे किए थे तो वो उसको पूरा नहीं उतर रहे थे, बाद में तो मैंने उनको इसकी सब इज्जत कर रहे हैं और जब वो आगे पीछे कर रहे हैं, मैंने उसको डांट दिया। तो उसने फाइनल से एक दो एपिसोड पहले मुझे सेमीफाइनल में साजिश करके हरवा दिया कि यार ये आदमी हमारे काम का नहीं है आगे, तो वो चाहिए आदमी जो उनके काम भी आए और मुस्तकिल उसको फिर यूज भी करे, तो पहले से होशियार है। लेकिन आउट होने से पहले मैंने बाजे फाड़ कॉमेडी की और उसमें, लेकिन उस आदमी ने कुछ करके मुझे हरवा, फिर मुझे कॉमेडी सर्कस मिला जी। तो पता ही चला कि वो कॉमेडी सर्कस में मैंने पहले एपिसोड में बड़ा काम दिखाया और उन्होंने मुझे पहली दफा मुझे पता चला यूट्यूब की कोई आइटम है उस पर मेरे बेशुमार आइटम है सोशल मीडिया पे। ठीक ठीक, तो वो देख कर उन्होंने मुझे डायरेक्ट बुलाया था और आने तक मुझे मना किया था कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि तो बेशुमार लोग जो उसमें शामिल भी थे और आसपास भी थे वो शायद काट कर रहा हूँ। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा, इसका मतलब ये हुआ फिर आप माशाल्लाह आपका चैनल भी आ गया W11 बाय सलीम आफरीदी, तो क्या यही एक मिशन बना कि आपने जब देखा यूट्यूब पे इतने मेरे वायरल हो रहे हैं क्लिप्स, तो क्यों ना मैं एक मीडियम बनाऊँ और जिससे मैं अपना खुद लॉन्च करूँ पूरा कॉन्टेंट। देखिए, उसके बाद तो बड़ी लंबी कहानी है, फिर वो हिंदुस्तान में जब मेरा एक पोजीशन हुई मुस्तकम और फिर वहाँ के डायरेक्टर्स को मेरी वेरिएशन, मेरे काम का पता लगा, तो फिर हम एक शो करने जा रहे थे जो बाद में कपिल शर्मा ने शो किया, शकील और मैं शो अच्छा का प्लान बना था, तो अचानक हम यहाँ पाकिस्तान आए, तो मैंने तो एक साल ही काम किया हिंदुस्तान में, लेकिन जितना किया इज्जत से किया। फिर मुझे एहसास भी हासिल है कि वहाँ सिद्धू ने एक शो में 14 अगस्त 15 अगस्त के उनके शो में मुझसे पाकिस्तान का कौमी तराना भी करवाया, भी बाद में ऑन एयर नहीं हुआ, काट दिया, लेकिन ये एहसास भी मुझे हासिल है। फिर काम और इज्जत के हवाले से अल्लाह ने मैंने जो मुकाम आ दिया जी जी, तो क्या हो रहा वहाँ भी बड़ा मकबूल हुआ जी बिल्कुल। तो फिर यहाँ एक चैनल पे अब मेरा एक शो होस्ट एज ए होस्ट जी जी टील के साथ और काशिफ के साथ बाद में जी जी हुआ, तो वो बड़ा मकबूल हो गया। तो अब आके मीडिया पे ऐसा वक्त आया, अब मैं जो करना चाह रहा था वो कर नहीं पा रहा, होस्टिंग कर ली, अल्लाह अगर हमें टीवी पे जो काम किया, मुख्तलिफ कैरेक्टर किए, संजीदा भी किए, तो मुख्तलिफ ड्रामों में भी महमूदाबाद के मलकाओं में काम किया जी 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 बिल्कुल। लेकिन होता ये था कि लोग फर्स्ट एपिसोड में नहीं बुला रहे, जब वो सीरियल या सोप डूबने लगता था ना, फिर मेरा एक कैरेक्टर इन करते थे और फिर मैं जाके उस सीरियल या सोप को उठाना पड़ता था, तो वो मैंने कहा मेरा अपना काम सामने आना चाहिए, तो मैंने फिर अपना चैनल यूट्यूब पे खोला W11 बाय सलीम। ठीक ठीक, और उसको अपनी मर्जी का अपनी थरक का काम, ये आज़ादी है, तो वो काम जारी है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर आपकी पूरी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा काम जो आप समझते हो हाँ यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये मेरे बहुत ही दिल के करीब है? देखिए, वो W11 जो कैसेट थी मेरी जी जी, तो वो एक काबिल फख्र चीज थी, उसमें
मैं कोई भी काम मेरा हो तो मैं कहता हूँ मेरा काम मेरे दौर की तस्वीर है जी। W11 कैसेट पे मैंने लोगों की तरबियत भी की, शोर भी किया, मासिल में बड़ी मकबूल थी तो उसमें मैं मैसेजेस बड़े देता था जी। तो कैरेक्टर्स को हीरो बनाया मैंने, मकरानी का रोल बड़ा हीरो बनाया मैंने, तो लोग बड़ा इंजॉय करते थे, तो उस कैसेट पे फखर है। बाकी तो ये है कि काम जारी है और करता रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ, तो हर काम में कोशिश करता हूँ कि काम मेरा जो आए वो परफेक्ट आए। माशाल्लाह से चले, अब हम आपके साथ खेलेंगे एक गेम शो और इसके 3 पार्ट है, और इसका जो सबसे पहला पार्ट है उसका नाम है माय फेवरेट, यानी मैं एक कैटेगरी का नाम लूंगा और आप अपनी पसंद बताएंगे। तो ये रैपिड फायर है तो आपको जल्दी जवाब देना है। एक्टर, एक्टर अगर बोले तो कॉमेडियन बोलते तो उमर शरीफ पसंद है, एक्टर तो बेताश है जितने। एक एक्टर बताइए जो आपके दिल के करीब हो। शब्बीर जान को मैंने एक दौर में बड़ा लाइक किया। जबरदस्त। सिंगर, सिंगर तो नुसरत फतेह अली से बड़ा कुछ हो ही नहीं। माशाल्लाह। कॉमेडियन, उमर शरीफ, वेल डन, मोइन अख्तर, माशाल्लाह, सलीम शबीला, माशाल्लाह। अगर एक को चुने, एक को चुने, स्माइल तारा, एक को अगर चुने तो कौन होगा जिसको आप टॉप की लिस्ट पे रखना चाहते हैं? जो दीवार में चुने? नहीं, वो भी टॉप है, सब टॉप है, लेकिन आप नंबर 1 है बिल्कुल। अच्छा, आपकी फेवरेट फिल्म? फिल्में तो बेशुमार है, फेवरेट फिल्में तो 10 साल से मैंने देखना ही छोड़ दी। कोई एक फिल्म जो दिल को लगी हो, जिसकी कहानी? अभी एक कुछ फिल्म मैंने पाकिस्तानी देखी थी, परवाज है जरूर। अरे माशाल्लाह, वो बड़ी क्लासिक लगी और अच्छी लगी। मैंने फिल्में देखना ही छोड़ दिया, हम हिंदुस्तान की जब फिल्में देखता था अमिताभ जी खास तौर पर, और मुझे संजय दत्त बड़ा पसंद है एज एक्टर। ठीक, तो वो मैं देख के और एक खौफ महसूस होता था कि इस मेयार पर तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। ठीक। तो फिर मैंने देखना छोड़ दिया, अब पाकिस्तानी फिल्में बनना शुरू हुई तो वो मैंने देखना शुरू। माशाल्लाह। अब तक आपने जितने लोगों के साथ काम किया, फेवरेट डायरेक्टर? भाई फरमान इधर है, जावेद फाजिल साहब। माशाल्लाह, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है 50-50, यानी 2 चॉइसेस होंगी, एक आपने पसंद करनी है। इस्माइल ज़ारा या माजी जाएंगे? हाँ, ये कॉमेडियन है, ये कॉमेडियन है। नहीं, ये अब दूसरा पोर्शन शुरू हो गया है, इसका नाम है 50-50, तो मैं 2 ऑप्शन दूंगा, एक चूज करना है आपने। कॉमेडी और रोमांस? कॉमेडी और रोमांस, रोमांस मुकम्मल होने के बाद कॉमेडी। ठीक है। फिल्म और ड्रामा? फिल्म या ड्रामा? ड्रामा स्टार्ट है, फिल्म एंड है। ग्रेट। डायरेक्टर या राइटर? राइटर के बाद डायरेक्टर बहुत जरूरी है। राइटर के बाद, ठीक है। यूट्यूब या फेसबुक? यूट्यूब पे मुश्किल से लोग देखते हैं, इसलिए फेसबुक पे भी आइटम देख के मशहूर हो जाना चाहिए, पर यूट्यूब पे खुद रोक लगा। आपका क्या फेवरेट है, यूट्यूब या फेसबुक? बस फेसबुक को तो अभी तो यूट्यूब है। अभी यूट्यूब है, ठीक है, हो गया। तो पैसा या प्यार? पैसा या प्यार? पैसा मिल जाए तो प्यार खुद ब खुद मिल जाता है। अरे वेल डन, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा इसका है पोर्शन, वो मैं आपको एक शख्सियत का नाम लूंगा और आप एक लफ्ज में या एक जुमले में बयान करें। उमर शरीफ। लफ्ज का साइंसदान। ठीक। सोहेल अहमद। सोहेल अहमद, फनकारों की इज्जत। माशाल्लाह। अहमद अली भट्ट। कलेजी ज्यादा अच्छी लगती है बट। अरे मैं जानता नहीं, अहमद अली भट्ट हीरो हैं, अच्छे हैं। हाँ माशाल्लाह, जवानी फिर नहीं आने, उसमें जो कॉमेडियन थे मोटे। हाँ, वो अच्छे हीरो भी हैं, शायद राइटर भी हैं क्या वो? हाँ, लिखते भी हैं, कॉमेडियन है वो। माहिरा खान। खान भी है वो, माहिरा भी है जी। वो अगर शाहरुख खान या रणबीर के साथ सिगरेट ना पीती, हमारे किसी हीरो के साथ पीती तो मेरी भी पसंदीदा हीरो। जबरदस्त। शान, अल्लाह की शान है, और उसमें उसकी एक्टिंग में जो जान है जी जी, इसी की वजह से उसकी पहचान है। क्या बात, और खुदा के लिए मैंने जो काम किया था तो मैं खुदा के लिए हिंदुस्तान में चली मेरे ख्याल से फिल्म जी जी। तो क्या काम किया हिंदुस्तानी जो डायरेक्टर से और एक्टर से, मैंने उसकी तारीफ सुनी तो मैं पक्का हो गया कि वाकई मैं सही इसको पसंद करता हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते, खुदा के लिए उसको जो जदीद फिल्में बन रही हैं उसमें ये नए डायरेक्टर्स क्यों नहीं ले रहे, उससे कोई काम क्यों नहीं ले रहे जी जी, ये मेरी समझ में नहीं आता। शफकत चीमा और वो दोनों काम के आइटम इंडस्ट्री में आखिरी 2 आइटम बचे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।
और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपने जितनी खिदमत की है, आपने जितना लोगों के लोगों को हंसाया है, उसका तो कोई देन नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है हमने कि आपके लिए एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड है जो हम आपके लिए लेके आए हैं, और ये थोड़ा सलीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई जगह, नए लोग और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।